यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं पागल जोन के बारे में। बहुत प्यार से रखा है, भले मैंने गलत वीडियोस बनाई लेकिन मेरे को बहुत लो यार। यहाँ पे तो इसने खुद ही मान लिया कि ये गलत वीडियो बनाती है। तो यार पागल जोन ने फुकरा इंसान पर अब केस कर दिया, लेकिन वहां पर भी इसकी दाल नहीं गली। तो ऐसा है ना, ये सोशल मीडिया है तो फिर इस पे हमारे यहाँ आपकी कंप्लेंट नहीं देखी जाएगी। तो यार इससे पता चलता है कि पागल जोन की कोई इज्जत ही नहीं करता है। एंड हाँ, और वो गाना तो भाई बवाल मचा देगा। तो भाई ठीक। तो यार इसके हिसाब से वरदान, गेम ऑन, ये सारे सॉन्ग बेकार है, लेकिन जब इसका सॉन्ग आएगा तो वो बवाल मचा देगा। काफी लोग भी बोल रहे थे मेरे को कि आप अपने ओपिनियन देना, आपके ओपिनियन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही सौरभ के गाने आने वाले होते हैं ना, पोस्टर आ जाता है, तो सब लोग मेरे को बोलने लग जाते हैं कि भाई आप जरूर अपने ओपिनियन देना। अबे किस पागल ने बोल दिया तुझे ओपिनियन देने के लिए। कई लोग तो छोड़ो, तू एक का ही नाम बता दे, किसने बोला था तुझे ओपिनियन देने के लिए। तो बट हाँ, मतलब नर्वस होना ही नहीं चाहिए, मजा आना चाहिए। जिसके बारे में 200 वीडियोस में आपने इतनी उसकी बदनामी करी, अब यार उसके साथ वेब सीरीज आ रहे हो, मुझे तो बहुत प्राउड फीलिंग है यार। अच्छा लगता है। सेकंड, एक सेकंड ट्रिगर्ड इंसान, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से कब आपको बदनाम कर दिया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। मैंने आज तक क्या बोला तूने? तूने ट्रिगर्ड इंसान को बदनाम नहीं करा? अबे तूने पूरी 100 वीडियो उसके ऊपर बना रखी है और तू बोल रही है तूने उसे बदनाम नहीं करा। मेरे फैंस है करोड़ों की संख्या में, मैंने उनको साफ एक सेकंड गाइस, इसके तो सिर्फ लाखों में फैंस है। हाँ दीदी, मेरे ख्याल से आपकी मैथ थोड़ी कमजोर है। यूट्यूब पे है ना, के का मतलब 1000 होता है, ना कि करोड़। तो फिर पहले है ना अपनी मैथ थोड़ा ठीक करिए, फिर यूट्यूब पे आके भाषण झाड़िएगा। एक्चुअली कल काफी एक्टिंग कर रही है यार आने में, तो फिर मैं ओ हो ट्रिगर्ड इंसान, अगर मैं इतनी ही अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ तो आप मेरे को किसी वेब सीरीज में काम क्यों नहीं दिलवा देते? क्योंकि आपको तो काम मिलते रहते हैं आए दिन, भले ही आपको एक्टिंग नहीं आती बट उसके बावजूद आपको काम मिल जाता है क्योंकि आपकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। कुछ तरीका है भीख मांगने का? तो अगर इतनी ऊपर तक पहुँचे तो आप टैलेंटेड लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? लेकिन पायल दीदी, मुझे आपकी वीडियो में कोई टैलेंटेड तो दिख नहीं रहा है। आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन कोई गजब बेइज्जती है। क्लाइमेक्स सभी बाकी है। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था कि इसने एक और वीडियो अपलोड कर दी, और ये वीडियो भी देख लेते हैं। फुल रिवील हो गया है। ओ माय गॉड, मतलब सीरियसली यार, एकदम रियल ये टैटू है। मतलब मेरा तो बिल्कुल रियल लग रहा है। अपने भाई का जाके देखते हैं फटाफट से उसका कैसा बना है। लेकिन पागल दीदी, ये तो टैटू नहीं पेपर है। गाइस पागल दीदी ने स्कैम कर दिया।